चलो भाई अब यहाँ पे हम चलते हैं टनल के अंदर। ये देखो कितनी सारी छोटी छोटी फिशेज है। ये तो बोलिए मेरी वीडियो बनाओ। ये देखो भाई ये वाला झूला चालू हो गया भाई, दो इसके अंदर इस तरीके से है। यहाँ पे देखो भाई बड़ा सा ही आईफिल टावर बनाया हुआ है, बाकी वो सामने आप देख रहे हो बुर्ज खलीफा बनाया है। दोस्तों यहाँ पर देखो भाई पीके मिल गया हमें। कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तरुण कृष्णा पर। मेरे पीछे आप देख सकते हो फिलहाल एक मेला लगा है। मैं गुड़गांव के सेक्टर 29 में खड़ा हूँ। यहाँ पे अंडर वाटर फिश एक्वेरियम लगा है पहली बार गुड़गांव के अंदर। साथ ही यहाँ पे दुबई थीम बेस मतलब एक कार्निवल लगाया गया है, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। जहाँ पे आपको कई सारे झूले मिलने वाले हैं, शॉपिंग के लिए काफी चीजें मिलने वाली है, खरीदारी के लिए मतलब काफी कुछ मिलेगा, खाने पीने को काफी कुछ मिलेगा, बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए काफी कुछ मिलने वाला है। मतलब टोटली अगर बात करें काफी मजा आपको यहाँ पे आ जाने वाला है। चलिए यहाँ की सारी जानकारी ले लेते हैं कि भाई ये मेला कहाँ पर है, इसकी लोकेशन क्या है, नियरेस्ट मेट्रो क्या है, टाइमिंग क्या है, टिकट प्राइस क्या है, कब तक ये लगने वाला है, सारी यहाँ की जानकारी ले लेते हैं, इंफॉर्मेशन ले लेते हैं इस कार्निवल की। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ की लोकेशन बता देता हूँ। ये आप जो ग्राउंड देख रहे हैं ये है लेजर वैली ग्राउंड, गुड़गांव के सेक्टर 29 में है। ये रहने वाला है इफ्को चौक के नियर। यहाँ आप सामने देख रहे हो लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन है। आप वॉक करके इजीली यहाँ तक आ सकते हैं। चलिए वहाँ चल के मैं आपको टाइमिंग वगैरह बताता हूँ, टिकट प्राइस वगैरह बताता हूँ, फिर अंदर चल के देखेंगे क्या क्या आपको इस मेले में मिलने वाला है। पार्किंग की अगर बात करें तो ये आप देख सकते हैं, इस साइड जो है टू व्हीलर की पार्किंग और उस साइड जो है फोर व्हीलर की पार्किंग है। काफी वही लोग आए हुए हैं घूमने के लिए, देख सकते हैं आप। चलिए चलते हैं उस साइड। पार्किंग की अगर बात करें टू व्हीलर के रहने वाले हैं 20 रुपीज और फोर व्हीलर के रहने वाले 50 रुपीज। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ आई लव दुबई थीम कार्निवल, क्योंकि ये पीछे जो कार्निवल लगा दुबई थीम बेस रहेगा जैसा कि मैंने आपको बताया। और बड़ी सी एक काइट यहाँ पर जो है लगाई गई है। वहाँ पे जो है इसका टिकट काउंटर है, चल के टिकट वगैरह देख लेते हैं। इस चीज पर भाई ध्यान ही नहीं दिया हमने। ये आप देख रहे हो भाई ये काइट जो है, जो ये ईगल है मूव कर रहा भाई, अच्छा लग रहा काफी। दोस्तों यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये यहाँ का टिकट काउंटर रहने वाला है। टिकट प्राइस की अगर बात करें तो वो 100 रुपीज रहेगा। ये आप देख सकते हैं 100 रुपीज दुबई सिटी टिकट, 100 रुपीज फिश टनल, और यहाँ पे कॉम्बो फिलहाल जो है 150 रुपए का लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं आप 100-100 दोनों का है और कॉम्बो जो है 150। बाकी एक बार वहां चलिए कंफर्म कर लेते हैं। तो भाई टिकट प्राइस जो है 150 रुपीज आपका यहाँ पे रहने वाला है। दोस्तों ये जो कार्निवल है 7 मार्च को स्टार्ट हुआ था और लगभग 25 दिन तक ये चलने वाला है। टाइमिंग रहेगी शाम 4 से रात को 11 बजे तक की। चलिए अब अंदर चल के आपको पूरा नजारा दिखाते हैं। ये देखो भाई कितना बढ़िया तरीके से बनाया है। यहाँ पर जो है फिश टनल अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा एक्वेरियम, तो वो चल के आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे सारे में लिखा हुआ है दुबई थीम कार्निवल, तो वहां से एंट्री है। चलिए चलते हैं अंदर। दोस्तों हम टिकट वगैरह लेके आ चुके हैं, चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं किस तरीके के कार्निवल रहने वाला है। तो अंदर आ चुके हैं फिलहाल। तो भाई हमको यहाँ पे दोनों साइड ग्रीन ग्रीन पर्दे दिख रहे हैं केवल। आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ जितना मुझे लग रहा है पहले फिश एक्वेरियम ही हमें दिखाई देगा, उसके बाद जो है हमें दुबई थीम कार्निवल मिलेगा पूरा देखने के लिए। ये देखो भाई फिश हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल चुकी है। वाओ वाओ भाई वाओ, कितनी अच्छी लग रही है। तो भाई देख सकते हैं इस तरीके से हमें जो है यहाँ पे फिशेस देखने के लिए मिलेंगी। और ये हमें एक यहाँ पे ये पूरा दिखाई दे रहा है, बाकी इस तरीके से और आगे पूरे में है। चलिए पूरा आपको दिखाते हैं। ये देखो भाई कितनी छोटी ने गोपालिया ना, बहुत छोटी छोटी सी है। तो भाई साहब ये तो कितनी इतनी सी है, इतनी इतनी सी बताओ ये वाली कितनी छोटी है। भाई ये सब रियल है, ये पानी के अंदर असली में मछलियां हैं, ये स्क्रीन नहीं है। ये देखो भाई कई सारी फिशेस हमें देखने के लिए मिल रही है भाई। वाओ चलो आगे बढ़ते हैं भाई ऐसी। ओ भाई ये तो कुछ ज्यादा ही छोटी है। तो देखो कितनी ज्यादा छोटी छोटी फिशेस यहाँ पर हमें मिल रही है देखने के लिए। यहाँ पे इनका पूरा ग्रुप है। वाओ कई सारी हमें यहाँ पे फिशेस देखने को मिल रही है। यहाँ पर दो ही है इसके अंदर, नहीं दो येरी, एक यहाँ कोने में घुसी हुई येरी और येरी एक। अरे छोटी छोटी ढेर सारी है भाई, वो दिखाई नहीं दी। वाओ भाई कितनी मस्त लग रही है। यहाँ पे भी देखो मुंह चला रही है, देखो उसको ध्यान से। ओह पास ही आ गई है। तो ये तो बोलिए मेरी वीडियो बनाओ। उसके मुंह के अंदर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो भाई सामने, ओए होए कितनी मस्त मस्त है यार। चलो और आगे बढ़ते हैं। ये देखो कैसी लग रही है। तो ऐसी कई सारी मछलियां हमें यहाँ मिल रही है देखने के लिए, कई सारी हैं। ये देखो
ये वाली तो भाई काफी बढ़िया भाई। भाई कितना साइज इनका भाई, काफी बड़ा साइज है ये तो। ये वाली सबसे बढ़िया अभी तक जो देखी है ना, बहुत बड़ा साइज है इसका तो। लेकिन ये दो ही है यहाँ पे, बस दो ही है। और इनका जो कलर है ये है ऑरेंज, व्हाइट और ब्लैक। हाँ ये देखो भाई, इस वाली मछली को क्या हो गया, ये पानी में डूब रही है भाई मछली, ये एकदम मर गई। इस वाली को भी पता नहीं क्या हो गया। देखो तो भाई ये वाला पूरा पोर्शन हमने कर लिया कवर, मतलब सब कुछ नहीं दिखाया क्योंकि बहुत सारा है यहाँ पर। चलिए अब आगे दिखाते हैं, यहाँ भी देखो इसी तरीके से हमें मिलने वाला है पूरा। ये देखो एक्वेरियम, कितनी क्यूट क्यूट सी मछलियाँ यहाँ पर भी हैं। कितना साइन कर रही है, सिल्वर कलर में है, भागे जा रही है। तो ये भाई ये भी देखो कितनी बढ़िया, भागे जा रही है। तो कहाँ भाग रही है, तो यहाँ इसी तरीके से हमें कई फिशेस और देखने के लिए मिलती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब वही फिशेस जो है रिपीट हो रही हैं। अब यहाँ से जो है टनल मिलेगा हमें, अब हमारे चारों ओर जो है मछलियाँ होंगी, ऊपर आगे पीछे हर जगह। चलिए चलते हैं यहाँ से अंदर, इसमें ही देखो सबसे ज़्यादा क्राउड है। चलो भाई अब यहाँ पे हम चलते हैं टनल के अंदर। ये देखो कितनी सारी छोटी छोटी फिशेज है, काफी ज्यादा छोटी छोटी है भाई। ये देखो देखो भाई कई सारी यहाँ पे फिशेज हमारे ऊपर हैं, देख सकते हैं चारों ओर जो है ऊपर ऊपर मछलियां सारे में। ये देखो देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है, कई सारी फिशेज यहाँ पर हैं। यहाँ देखो भाई साहब कितनी सारी है भाई, कितनी सारी, कई सारी एक साथ यहाँ पे आ गई हैं, छोटी बड़ी सब है इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ से टनल का जो है एंड हो गया। चलिए अब देखते हैं बाकी, अब इस कार्निवल में हमें क्या क्या मिलने वाला है। दुबई थीम जो है यहाँ इस साइड लगाई गई है, अभी वो भी दिखाएंगे अभी आपको। चल गए जो जो दिख रहा है दिखाते चलते हैं। चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक बुक का स्टॉल दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हमें कई बुक्स देखने के लिए मिलेगी। चलिए देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है पिकैनी चिल्ड्रन बुक 100 रुपीज, मतलब बच्चों की यहाँ पे किताबें हैं ये आप देख सकते हैं। ये देखो 100 रुपीज में कोई सी भी बुक्स आप जो है ले सकते हैं, यहाँ पर सारी बच्चों के लिए रहेंगी। ये देख लेते हैं किस टाइप की रहेगी यहाँ पे, ये मेल बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, सेंटा क्लॉज है यहाँ पे। अच्छा ये ड्राइंग बुक है, इसमें हम जो है कलर कर सकते हैं, कलरिंग बुक। और यहाँ पे एक छोटी सी ये स्टोरी है यहाँ पर, ये तो इस तरीके की बच्चों के लिए कई सारी बुक्स आपको यहाँ मिलेगी, कलरिंग बुक्स यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगी देखने के लिए। बाकी ये देखो 100 रुपीज़ में कोई सा भी ले लो, इसके अंदर कलर्स वगैरह भी हैं और कलरिंग बुक प्लस कलर्स यहाँ पे मिक्स मिल रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भाई गर्ल्स के लिए प्लाजो वगैरह है, कई समर कलेक्शन यहाँ पे गर्ल्स के लिए जो है लगा है। यहाँ पर एक स्टॉल आप देख सकते हैं 200 रुपीज़ का यहाँ रहेगा, 200 ओनली। यहाँ पे कोई सा भी आप ले सकते हैं, सेल है 200 रुपीज़ में। यहाँ क्रॉप टॉप वगैरह शॉर्ट्स वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, गाउन वगैरह। अच्छा कुछ भी गाउन वगैरह कुछ भी लो, फुल ड्रेस वगैरह सब दो। अच्छा फुल ड्रेस वगैरह भी, तो भाई क्या है कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, सब कुछ जो है 200 में है। गाउन वगैरह लो, फुल ड्रेस लो, सब कुछ 200। अच्छा टू पीस का जो सेट है वो भी 200। तो भाई यहाँ पे धमाके वाली सेल है भाई, कुछ भी आप ले सकते हैं ओनली 200 रुपीज़ में, चाहे वो टॉप हो या फिर ये पूरा देख सकते हैं वन पीस हो, कुछ भी हो, सब कुछ यहाँ पे 200 रुपीज़ में है। यहाँ आप सामने देख रहे हो यहाँ पे कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे देखने के लिए, कई सारे यहाँ ब्यूटी बाय वन गेट वन फ्री ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है ये। और यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे 50 रुपीज़ की सेल है भाई, 50 रुपये सेल में, देखते हैं भाई क्या क्या मिलने वाला है। ये देखो कई चीज़ें आपको मिलने वाली है 50 रुपये सेल में, ये सब कुछ है यहाँ पे, कैप है और यहाँ पे हेयरबैंड टाइप है, क्लिप टाइप, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी, ये सब कुछ जो है 50 रुपये सेल में है। कई सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, सब कुछ जो है लड़कियों के मतलब की चीज़ें हैं, हमारे मतलब का कुछ नहीं है यहाँ पर, लेकिन दिखा देते हैं फिर भी। देखो काफ़ी बढ़िया बढ़िया, बच्चों को काफ़ी पसंद आएंगी ये चीज़ें, 50 रुपये सेल में है सब। ये देखो भाई सब कुछ ये लड़कियों के मतलब का है। बाकी ये जो है दुबई थीम के बेस पर पूरा बनाया गया है, ये भी दिखाऊँ अभी आपको। चले गए पहले ये सब दिखा देते हैं जो स्टॉल्स वगैरह यहाँ पर हैं। ये देखो ये बच्चों के लिए यहाँ पर आपको कई ये नकाम वगैरह मिलेंगे, मुकुट वगैरह जो बच्चे लगा लेते हैं फेस पर, अलग अलग यहाँ पे कार्टून कैरेक्टर, अलग अलग यहाँ पे जोकर वगैरह भूत वगैरह के हैं,
बच्चों के हिसाब की ये चीजें यहाँ पे रहने वाली है। बाकी एक ये है, ये क्या होता है? अच्छा मैजिक बॉल है ये देखो। ओ भाई बढ़िया है ये तो, ये देखो भाई। तो ऐसी ही कई सारी चीजें बच्चों के लिए यहाँ पर मिलने वाली है, देख सकते हैं आप। बाकी कई यहाँ पर जो है लाइट वाले प्रोडक्ट्स भी आपको मिलेंगे देखने के लिए। देखो भाई काफी अच्छे लग रहे हैं, जो कि वहाँ पे पीछे कई सारी चीजें लगाई हुई है बच्चों के लिए, डेकोरेशन आइटम काफी कुछ है, प्रेग्नेंट वगैरह भी है यहाँ पर। यहाँ पे कई टाइप के आपको मसाजर वगैरह भी मिलेंगे। ये देखो भाई ये आपके बैक के लिए होता है, कमर वगैरह गर्दन वगैरह में पेन हो उसके लिए होता है। कई सारे मसाजर्स आपको मिलेंगे, हेयर ड्रायर वगैरह मिलेगा। ये देखो भाई हेड पेन हो रहा है तो उसके लिए आपको मसाजर मिलेगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मसाज में यूज़ होती हैं। ये देखो भाई बाकी कुछ लाइटर वगैरह भी आपको मिलेंगे, किचन आइटम जो कि है किचन में यूज़ होने वाला, शेविंग वगैरह करने के लिए आपको यहाँ मिल जाएगा। कई सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। ये देखो भाई दिखा रहे कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बिना साबुन बिना पानी के दाग रहता है, खाने पीने के दाग में बड़ा, जैसे चाय कॉफी पान गुटखा हल्दी कड़ी फ्रूट जूस जैम चॉकलेट रखते हैं। कई बार लेडीज कपड़े धोती, कपड़े का कलर कपड़े पर चढ़ जाता है खाली बड़ा। सबसे अच्छी बात है खराब नहीं होता, उठता नहीं, घर में 10 साल को काम आएगा। अच्छा भाई एक चीज मेरे को पूछना था, कपड़े खराब तो नहीं होंगे ना? कलर कपड़े में लगा के दिखाया मैंने, व्हाइट भी लगा के दिखाया। इसको कलर कपड़े में जब भी लगाते हैं पहले कोने भी लगा के देख लीजिए, कपड़े का कलर पक्का है, लगाइए कोई इशू नहीं। कपड़े की जैसी लाइफ है वैसी रहती है। किसका है ये? पान मसाले का दाग। पान मसाले का दाग हटा दिया। ये पान मसाले का क्या क्या दाग हटा देगा? ये चाय कॉफी पान गुटखा हल्दी कड़ी फ्रूट जूस जैम चॉकलेट सबका दाग हटा देगा। सारे दाग हटा दिया। घर पे मंगाना है आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, मेरा नंबर 9899100926, दूसरा नंबर है 9999497806। कितने रुपए का होगा प्राइस? ये ऑनलाइन मंगाएंगे 250 का है, यहाँ पे आपको 200 का दिया है मेले के अंदर। अच्छा मेले में 200 रुपए का है, वैसे 250 का ऑनलाइन मिलेगा। ये बता दिया इन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह। ये देखो भाई सिरका वगैरह डाल दिया इन्होंने, ये गंदगी साफ करी, कपड़ा काला गंदा होता है, फेंकना पड़ता है। पानी में डिप करेंगे, रब करेंगे, सारी गंदगी पानी में हैंग कंडी हो जाए। फर्श पे गिरा चाय पानी को पोछा वाइपर लगाते हैं। सिर्फ हमने 3 दिन लिए, 1, 2 और 3, ओनली 3 सेकंड में नीचे से पानी गायब उसके अंदर। अरे बस पूरा साफ हो गया भाई। बाहर जाएंगे छोड़ेंगे सारा पानी बाहर। घर में गाड़ी में रहते हैं, गाड़ी में कपड़ा मारते स्क्रैच आता है, गाड़ी का कलर खराब होता है। गाड़ी की बॉडी, फ्रिज की बॉडी, अलमारी की बॉडी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वन टाइम में ड्राई करेगा, वन टाइम में क्लीन करेगा, डाइनिंग रेशे नहीं छोड़ेगा। लाइफ इसकी 1 साल है, ज्यादा गंदा है, शैम्पू लगाओ, वॉश करो, सारी गंदगी पानी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बाकी ये देखो भाई लड़कियों के लिए यहाँ पे शूज का कलेक्शन आपको मिलेगा भाई। ये शादी पार्टी में जाने के लिए आपको फैशनेबल शूज चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। बाकी ये घर में पहनने के लिए आपको स्लीपर वगैरह चाहिए वो सब भी आपको मिलेगा, सैंडल्स वगैरह मिलेंगे, काफ़ी कुछ आपको मिलेगा, बच्चों के लिए भी मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव ये शूज़ है जो कि यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। बाकी यहाँ आप देख रहे हैं 100 रुपये सेल है भाई, सब कुछ यहाँ पे 100 रुपये में है। यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह आपको मिलेगी, देख सकते हैं कई सारे यहाँ पे नेकलेसेस वगैरह, ईयरिंग्स वगैरह, काफ़ी कुछ आपको मिलेगा। गले का सेट है, ये देखो भाई काफ़ी कुछ आपको मिलने वाला है, सब कुछ जो है ओनली 100 रुपीज़, देख सकते हैं 100 रुपीज़ यहाँ पे सेल है। ईयरिंग्स वगैरह भी कई सारे आपको मिलेगी यहाँ पर। काफ़ी बड़ा कार्निवल है भाई, आगे तक देखो पूरे पे स्टॉल्स ही स्टॉल्स है सारे में, पूरा काफ़ी आगे तक। तो चलिए यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ दिखा देते हैं भाई, बच्चों के लिए खिलौने वगैरह देख लीजिए। ये देखो भाई बच्चों के लिए यहाँ पे लेज़र लाइट वगैरह है, ये बॉल है जिसको लाइट जलती है, इसके अंदर तेज़ मारना पड़ेगा तब जलेगी। क्ले वगैरह है, बाकी ये फ़ैन वगैरह है, कई सारी चीज़ें बच्चों के लिए है। यहाँ पे देखो क्ले वगैरह आपको मिलेगी यहाँ पे बच्चों के लिए। ये टाइगर है यहाँ पर, ये बबल है, बबल गन जो होती है इसमें से ये जो है फ्लैश करते हैं तो कैरेक्टर वगैरह बनते हैं। पाउच वगैरह आपको मिलेंगे बच्चों के लिए, गन्स वगैरह, कार वगैरह, कई सारे मतलब यहाँ सॉफ्ट टॉयज वगैरह, ये बॉक्स वगैरह मिलेंगे आपको, ये ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स वगैरह। ये गन आप देख रहे हैं वाइब्रेट होती है और साउंड करती है और लाइट भी इसमें जो है ब्लिंक होती है। कई सारे टॉयज आपको यहाँ बच्चों के लिए मिलेंगे, ये सारे पुल बैक वाले टॉयज हैं, ये सब आप जो देख रहे हो सब पुल बैक है, ये आप देख रहे नीचे वहाँ तक पुल बैक में लगा है सब कुछ। बाकी यहाँ सामने आप देख सकते हैं कई सारे खिलौने हैं, ये कंट्रोलिंग में भी आपको मिल जाएगा, ऑफ रोडिंग वाले कई खिलौने हैं यहाँ पे रिमोट कंट्रोल वाले। ये देखो भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ लग रही है, यहाँ पर जो है 10 रुपये सेल है। चलिए देखते हैं 10 रुपये में क्या क्या चीजें मिल रही है यहाँ पर। भीड़ भी काफी ज्यादा हो रही है अंदर, मैं इसमें घुस ही नहीं पा रहा भाई, सब लोग अपना धक्का मुक्की कर रहे हैं 10-10 रुपये की सेल में, तो मैं घुस नहीं पा रहा उसके अंदर, भीड़ काफी ज्यादा। काफी बड़े बड़े आइटम है ऐसे, बच्चों के पैन वगैरह हैं, किचन वगैरह है और डेली यूज की कई सारी चीजें 10-10 रुपये मिल रही है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी खिलौने या सॉफ्ट टॉयज वगैरह का स्टॉल है। दोस्तों यहाँ पर देखो ये अचार का एक स्टॉल है, राजस्थान का अचार यहाँ पे आपको मिलेगा। बाकी कई सारी और चीज़ें यहाँ पे, ये रोस्टेड नमकीन वगैरह भी है ना, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये केले की भाई नमकीन है, कई सारे आपको मिलेंगे रोस्टेड नमकीन, अचार वगैरह, क्या क्या चीज़ें मिलेगी वैसे?
रागी की चिप्स मिलेगी जी। रागी में चार फ्लेवर है, रागी क्रीम एंड ओनियन, रागी बीटरूट, रागी पालक और रागी पुदीना। अच्छा, ये सब चीजें आइटम मिलेगा। ये रागी क्रीम एंड ओनियन, रागी क्रीम है, ये रागी पुदीना, रागी पुदीना, ये रागी बीटरूट। ये आपको यहाँ पे अचार भी मिलने वाले भाई, कई तरीके के यहाँ पे अचार है, काफी कुछ आपको शॉपिंग के लिए मिलने वाला है भाई। यहाँ देखो भाई, यहाँ पे भी हर माल 10 रुपए है, 10 रुपए सेल यहाँ पे भी है, बट फिलहाल जो है पीछे भीड़ हो रही है, यहाँ पर जो है नहीं है भीड़। चलो देखेगा थोड़ा बहुत क्या क्या है भाई, किचन वगैरह यहाँ पे। यहाँ से ये देखो, कई तरीके के किचन वगैरह आपको मिलेंगे, ये सब कुछ 10 रुपए में आपको मिलने वाला है। ये किचन्स हैं काफी सारे, वहाँ आप कॉम वगैरह देख सकते हैं, ये सारी चीजें हैं 10 रुपए में। ये देखो बैम्बू की कई सारी चीजें यहाँ पर रहेंगी, मतलब गिफ्ट वगैरह आपको करना हो यूनिक कुछ, तो आप बेम्बो की ये चीज़ें गिफ्ट कर सकते हैं। कितने का भाई कप? 50 रुपये का एक कप है केवल। देखो कप के गिफ्ट, कप के जो है सेट आप गिफ्ट कर सकते हैं। ये देखो कितना बड़ा यहाँ पे गिलास आपको मिलेगा, इसमें पानी वगैरह पी सकते हैं, पानी चाय पीना हो सब पी सकते हैं भाई। कितने का है ये? 80 रुपये का है। देखो भाई काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। अच्छा पेन बॉक्स है, यही कितने का है? 50 रुपये का बस। अच्छा ये 50 रुपये का है। ये देखो हाथ के कड़े वगैरह हैं, ये फ्रूट बास्केट है, ये कितने का है? 130 रुपये का। देखो भाई काफ़ी बजट फ्रेंडली इनका जो है रेट है, और काफ़ी यूनिक चीज़ें ये सारी है। फ्लावर पॉट वगैरह आपको मिल जाएंगे, कई चीज़ें हैंगिंग आइटम आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखो इंटरनेशनल चॉकलेट हब है, यहाँ पर दुबई चॉकलेट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिली है। चलिए देखते हैं। ये देखो भाई दुबई की यहाँ पे चॉकलेट है, मिल्क की, कोकोनट की, ये कुछ क्या है, गोल्डन बटर, कई सारी हमें यहाँ पे चॉकलेट मिल रही है दुबई की चॉकलेट देखने के लिए। ग्रीन एप्पल मतलब कच्चा वो होगा सेब। यहाँ पे व्हाइट चॉकलेट, वेनिला, कई सारे फ्लेवर्स की यहाँ की चॉकलेट हमें मिल रही है दुबई की जो है। देखो बच्चों के लिए काफ़ी कुछ मिल रहा भाई। तो भाई मैंने आपको दिखा दिया शॉपिंग के लिए यहाँ पे क्या क्या है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। चलो भाई अब चलते हैं दुबई में। यहाँ पे ये ब्रिज के ऊपर से होते हुए जाना है पूरा क्रॉस करके। चलिए दुबई चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या मिलने वाला है सेल्फी पॉइंट रील्स के लिए। तो ये अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर ब्रिज के ऊपर, तो यहाँ से अब हमारी एंट्री हो रही है भाई दुबई के अंदर। काफी अच्छा बना है, आईफिल टावर और क्या कहते हैं बुर्ज खलीफा, ये सब मिलेगा देखने के लिए। कई सारे यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया है ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पे तिरंगा कलर में यहाँ पे हार्ट बनाए हुए है, वहाँ सामने विंग्स लगाए हैं, चेयर लगाई है, ये सारे जो है यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है, लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे एक बॉक्स टाइप बनाया है, देखते हैं कैसा बॉक्स है ये, इस तरीके से मतलब ये बॉक्स है, यहाँ पर फोटो ले सकते हैं आप। सेल्फी पॉइंट यहाँ कई सारे, ये भी आप देख रहे हो सेल्फी पॉइंट है, थोड़ा म्यूजिक चल रहा है वहाँ भी देख सकते हैं आप, वो सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पे देखो भाई बड़ा सा ये आईफिल टावर बनाया हुआ है, बाकी वो सामने आप देख रहे हो बुर्ज खलीफा बनाया है, बाकी यहाँ पर ये दुबई के अंदर एक जो बिल्डिंग है, क्या नाम है इसका, वो बिल्डिंग यहाँ पे दिखाई गई है, मतलब कई सारी जो फेमस बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो सब कुछ यहाँ पे दिखाया हुआ है। सारा जो है यहाँ पे ये सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे इसरो को दिखाया हुआ है, चंद्रयान को दिखाया है। बाकी यहाँ आप सामने देख रहे हैं भाई, यहाँ पे गणपति बाबा है, जय हो गणेश भगवान की, गणपति बाबा मोरिया, यही है भाई। यहाँ पर आप फोटो वगैरह ले सकते हैं, रील्स वगैरह बना सकते हैं, यही सब कुछ यहाँ पर जो है लगाया हुआ है, पूरा सेल्फी पॉइंट आप इसको कह सकते हैं पूरे एरिया को जो है। तो भाई अभी हम जो है झूले वाले सेक्शन में आ चुके हैं, यहाँ पे आपको कई सारी गेम्स वगैरह मिलेंगी, जो रिंग थ्रो करते हैं फिर विन प्राइज करते हैं वो वाली गेम है। यहाँ पे ग्लास थ्रो करना होता है, बॉल थ्रो करके ग्लास गिराना होता है फिर प्राइज विन होता है, वो वाली गेम है। यहाँ पे लकी ड्रॉ वाली गेम है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या झूले वगैरह में यहाँ मिलने वाले हैं। दोस्तों ये आप देख रहे हो इतनी ज़्यादा लाइटिंग यहाँ पर हो रखी है कि झूला ही नहीं दिख रहा पीछे कौन सा झूला है। तो भाई मून कोस्टर झूला है यहाँ पर, ये दिखा देता हूँ एक बार थोड़ा पास चल के, वैसे लाइट काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लगाई हुई है। ये देखो ये वाला झूला है भाई, आपको याद आएगी होगा, मतलब ऊपर नीचे जाता है और गोल गोल घूमता है साथ में। इसका टिकट जो है 50 रुपये का है यहाँ पर झूले का। ये देखो भाई ने चला दिया झूले को, दिखा देते एक बार कैसे चलता है। इस तरीके से झूला जो है ये चलता है, मून कोस्टर इसका नाम रहता है, चांद तारा झूला। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ मिक्की माउस है बच्चों के लिए, मिक्की माउस में आपके बच्चे यहाँ पे जंपिंग जपैक कर सकते हैं भाई, उछल कूद कर सकते हैं। ये देखो मिक्की माउस के भी यहाँ पर जो है 50 रुपये रहने वाले हैं भाई, ये देख सकते हो। बाकी यहाँ पे टॉय ट्रेन है बच्चों के लिए,
कितने रुपए है इसके? इसके भी 50 रुपए भाई, यहाँ पर सारे झूले 50 वाले गए यहाँ पर। इसी साइड में जो है ना फूड में भी काफी कुछ मिल जाएगा, ये देख सकते हो आप, बॉम्बे की भेलपुरी यहाँ पे है जिसमें कि काफी क्राउड हो रहा भाई। ये भेलपुरी है यहाँ पर, तो भेलपुरी यहाँ पे आप खा सकते हैं। कितने रुपया भैया, कितने का? 50 रुपए का है भेलपुरी है। हाँ जी, यहाँ आप सामने देख रहे हो यहाँ पे मॉकटेल वगैरह है, वहाँ पीछे सॉफ्टी वगैरह है, मॉकटेल आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। ये देखो भाई मॉकटेल्स वगैरह के मजे लो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल्लड़ पिज्जा है भाई, कुल्लड़ पिज्जा के मजे ले सकते हैं आप। चलिए देख लेते हैं, पनीर पिज्जा है 140 रुपए का, स्पेशल कुल्लड़ पिज्जा है 140 रुपए का। अच्छा भाई, ठीक ठाक प्राइस में है। हाँ सामने देखो भाई, रेंजर झूला चल रहा है ये। हाँ आपको अमेरिकन भुट्टा मिल जाएगा, स्वीट कॉर्न है तो स्वीट कॉर्न वगैरह भी यहाँ खा सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए भी कई सारे झूले हैं, वहाँ वो लगा एक झूला, एक ये रहा बच्चों के लिए झूला, बाकी यहाँ पे ये ड्रैगन वाला झूला है बच्चों के लिए, मतलब बच्चे बड़े सब झूल सकते हैं ड्रैगन वाले झूले में। तो वहाँ सामने भी जो है मिकी माउस है। यहाँ पे ये है आलू लॉलीपॉप, पनीर लॉलीपॉप, पोटैटो लॉलीपॉप, तो ये सब चीज़ें खा सकते हैं भाई। तो ये रहा यहाँ पे रेंजर झूला, रेंजर झूले में झूल के आप मजे ले सकते हैं। एक बार पूछेगा कितने का है। यहाँ पे भी खाने के लिए भाई काफी कुछ है, बम्बई का यहाँ पे वड़ा पाव वगैरह आपको मिलेगा, और यहाँ आप देख सकते हैं कुरकुरे मोमोज वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और इसके अगर टिकट प्राइस की बात करें, 100 रुपीज़ पूछ कर आया था मैं। यहाँ पे आपको ट्रम्पलिन मिल जाएगा बच्चों को खुदा हुआ यहाँ पर, बाकी एक झूला यहाँ पर ये है, ये भी मिलेगा आपको, बूढ़ी अम्मा के बाल बोलते हैं जिसको, कॉटन कैंडी। ये देखो भाई, ये भी आप यहाँ पे खा सकते हैं। कितने का ये? 50 रुपए का है भाई। सामने आप देख सकते हैं भाई, नाव वाला झूला है जिसको ड्रैगन झूला कहते हैं, और यहाँ ब्रेक डांस है, वहाँ पे जाइंट व्हील है, काफी सारे बड़े झूले भी हैं, बच्चों के लिए भी झूले हैं, काफी इंजॉय आप आकर इस मेले में कर सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर बोटिंग भी लगाई हुई है, देख सकते हो भाई, काफी कुछ इंजॉय किया जा सकता है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर ये एक नया झूला है जो कि फिलहाल चालू नहीं है, बंद है अभी, तो थोड़ा लोग आएंगे तब ये चालू होगा। कैमल राइड के मजे भी यहाँ पर लिए जा सकते हैं भाई। ये देखो भाई, ये वाला झूला चालू हो गया भाई, दो इसके अंदर इस तरीके से है। इसका 100 रुपए का टिकट है। तो भाई काफी यूनिक और काफी बढ़िया लग रहा है ये वाला झूला। यहाँ पे आपको भाई स्मोक बिस्किट भी मिल जाएंगे भाई। दोस्तों और भी कई सारी चीजें आपको मिलने वाली है, लेकिन शोर काफी ज्यादा हो रहा है तो दिखा नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से देख सकते हैं खाने पीने को कई सारी चीजें मिलेगी। यहाँ आपको तुर्कीज आइसक्रीम मिल जाएगी, बाकी यहाँ आप देख सकते हैं स्पेशल पानी पूरी है, भुट्टा वगैरह है, चाट वगैरह है, भेलपुरी यूपी की चाट है फेमस, काफी कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। साउथ इंडियन भी मिल जाएगा, चाइनीज मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखो भाई, पीके मिल गया हमें, ये जा रहे पीके भाई। दोस्तों बाहर आ गया मैं इस कार्निवल से, काफी बढ़िया मुझे कार्निवल लगा, झूले वगैरह यहाँ पे है, शॉपिंग है, फूड है, बच्चों के लिए काफी कुछ है, एक्वेरियम है, और मतलब काफी कुछ था। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं एंजॉय करने के लिए तो काफी इंजॉय आपका भी होने वाला है, आपके बच्चों का भी होने वाला है, फल्स वगैरह भी यहाँ पे काफी थे, मतलब सभी के लिए जगह जो है बेस्ट होने वाली है। 25 दिन तक लगभग ये जो है मेला लगने वाला है, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जगह अच्छी लगी होगी। चल पाए थे पहली बार सब्सक्राइब नहीं करे अभी तक तो कर लेना ऐसी और वीडियो, इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ध्यान रखें अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।